हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अभी मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो चुके हैं, सारा घर का काम हो चुका है, नाश्ता पानी नहीं हुआ है और पूजा भी नहीं हुआ है। तो अभी पूजा बाद में करेंगे, पहले नाश्ता बना के आरव के पापा को दे दें क्योंकि लेट हो रहा है उनको। और इधर नाश्ता बना रहे हैं हम, देखिए ये आरव के लिए फिंगर चिप्स बना रहे हैं। आरव सुबह ही आज नहा लिया और ये समय और ये जी अजवाइन और नमक की पूड़ी बना रहे हैं। और आरव के पापा नाश्ता करके चले गए, आरव को भी नाश्ता मैंने दे दिया था और मैंने जल्दी से पूजा करके खुद भी नाश्ता कर लिया, चाय भी पी लिया। अब वीडियो नहीं बना पाए, पूजा कर लेगा तो फिर आप लोग ऐसे भी दर्शन कर लीजिए। तो फिर आरव ये देखो दे रहा, बस पूड़ी आलू देंगे तो आलू तो नहीं, पूड़ी तो नहीं खाया, बस आलू आलू खाया, तो कुछ तो खाया सुबह सुबह। अब इसका ये मोरपंख का पेड़ है जो जा रहे हैं लगाने के लिए, तो मिट्टी मैंने नीचे से लाया हुआ है, इसका डंडी चक्कू से अच्छे से इसका सोर निकाल कर अच्छे से लगाएंगे। डब्बा मैंने काट के रखा हुआ है तो इसी डब्बे में लगाएंगे। और ये कल घर, ये सामने वाले घर से मिट्टी सारा लेके आया है मैंने। और ये सामने वाला घर जो अमरूद का पेड़ है, केले का पेड़, फिर इसे लेकर आए थे मिट्टी। तो फिर अब पेड़ बोने के लिए, तो जैसे कि कृष्ण भगवान को वो चढ़ाए थे गेंदे का फूल, तो उसका भी मैंने सुखा लिया है, तो उसको भी अच्छे से मिट्टी में लगा देंगे, निकल जाए तो अच्छी बात है, पूजा करने के लिए फूल मिल जाएगा। तो फिर पहले मम्मी मेरी ये सब करती है, हम तो करते नहीं थे, तो अब खुद जैसे मन कर रहा है कि पेड़ एक दो या लगा लें, तो कहाँ से शौक जाग गया नहीं पता, पहले नहीं था। घर पे मम्मी तो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाई है, आप लोगों को मेरे अपने वीडियो में दिखाए होंगे पिछले वीडियो में। कुली चले पीछे पीछे ही करके लगाएंगे। आओ आ बेटा इधर आओ, अभी हो रहा है दोपहर का समय और आरव को लंच कराकर और मैंने उसको सुला दिया है। और ये देखिए मैंने सुबह का पूजा किया हुआ है, अभी तलक दिया जल रहा है और जो मोर पंखी का पेड़ था वो मैंने लगा चुके हैं, अब जा रहे हैं गेंदे का पेड़ लगाने के लिए, तो फिर देखिए कैसे लगा रहे हैं। पंखी का पेड़ जो मैंने लगा दिया है, का पेड़ मैंने माला सूखने के लिए रखा था, पहले अभी इसको प्लेट में तोड़ के रख ले। ये मैंने अच्छे से बीज निकाल लिया है, अब इसको इस डब्बे में तो इस डब्बे में लगाएंगे, तो इसमें मिट्टी डाल दें। ये मैंने सारा डाल दिया है गेंदे का, सारा ये कमरा मिट्टी मिट्टी हो गया था मंदिर वाला रूम, तो फिर मैंने ये गेंदे का लगा दिया है और इधर रख दिया, तब इसको सोच रहे धुल दे अच्छे से, ये धुल दिए। ये कुछ सुबह के कपड़े हैं
जो अब इस अर्गनी में डाल देंगे, जो मैंने सुबह से कपड़ा नहीं डाला है क्योंकि आज हवा बहुत तेज चल रहा है। तो अभी ये सब डाल दें। ये देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, तो कपड़ा कोने कोने अपना उड़ जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रहा है। और अब हो रहे हैं शाम के 8 बज रहे हैं, और पेड़ लगाने के बाद कपड़ा डालने के बाद सो गए जाकर, और बहुत देर नींद आ गई थी, पूरा धुल दिए थे, दोपहर का समय था और अभी सो गया था, तो हम भी जाकर सो गए थे। और ये पेड़ ये देखिए इसमें डिब्बे में लगाए हुए हैं जैसा कि आप लोग देखे हैं। तो फिर अभी खाने में तो इडली सांभर अभी हम खा चुके हैं, आरब के पापा के लिए रखे हैं, आरब की बुआ ने दिया है, नीचे बना हुआ था। तो फिर और आप लोग को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और ये देखिए लाए हुए थे गमले को उठाकर, और यहाँ मैंने खूब अच्छे से धुल दिया था इसको। ये लड़के को आदत पड़ गया है किचन में आने के लिए, इस पर बैठने के लिए। इधर मैंने दाल बना के रखा है, ये मेरा दाल बना हुआ है, और ये आरब के पापा के लिए इडली बचा के रखा, इडली आरब के बुआ के ऐसे, और ये सांभर चटनी, और फिर भी मैंने दाल बना लिया है। अब ये आलू का सब्जी बनाएंगे बनाने के लिए, और ये गरम मसाला जो आलू का सब्जी बनाएंगे तो डालेंगे इसमें, जा रहे हैं सिलबट्टे पे पीसने के लिए। ये जीरा, काली मिर्च, मिर्चा, ये भर 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 कर रहा है, क्या कर रहे हो, उतरो, चलो चलो नीचे उतरो, तुम वो कमरे में छोड़ के आए तभी हम काम कर सकते हैं, मोबाइल इसको देते हैं। ये काली मिर्च जीरा हटाने जा रहे हैं क्योंकि आरब को पापा को सरसों वाला पसंद है, तो सरसों का बना देते हैं, इनको सरसों मसाले वाली पसंद है। तो फिर आलू, आलू और टमाटर डाल के बना ले रहे हैं सरसों वाली। और अभी और ये मैंने मसाला पीस लिया, इसमें हल्दी नमक डाल दिया है बस, और ये मेथी का तड़का। आरब को नीचे छोड़ के आया उसके बुआ के पास क्योंकि परेशान कर दिया था। मसाला छौंकने के बाद मैंने ये टमाटर भी डाल दिया है, अब ये मसाला अच्छे से चपकन जाएगा, ऑलमोस्ट भून ही गया है, जब तेल ऊपर ऊपर आ जाता है तो समझ लो मसाला भून गया। तभी रुक कर ये आलू डाल देंगे, तो आरब के पापा का खाना हो चुका, पापा का फ़ोन भी आ गया, तो मैंने बात करने लगे, तो आप बात करते करते सोफे पे आ गए हैं, और यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।